अभी जो नेक्स्ट वन है वो है ब्रिस्टर्स लॉ। यस, ब्रिस्टर्स मतलब डेविड ब्रिस्टर करके एक साइंटिस्ट था, तो उन्होंने क्या किया गाइस कि एक ग्लास लिया, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया पोलराइजेशन के ऊपर, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए उसने। तो क्या देखा उसने कि जब लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी इस पे आती है, किस पे, ग्लास पे, मतलब एक पर्टिकुलर मीडियम पे, ग्लास पकड़ लो, जब उस पे फॉल होता है तो उसमें से ना कुछ लाइट का पोलराइजेशन होता है और कुछ लाइट ना मतलब रिफ्लेक्ट होती है, और कुछ लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। अंडरस्टूड? तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो पोलराइज होती है, अंडरस्टूड, और जो लाइट रिफ्रैक्ट होती है वो भी पोलराइज होती है। बट अभी कैसे होता है वो हम लोग इधर डायग्राम्स में देखेंगे तो ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। तो सी, ये इस तरीके से हमारे क्या है, ग्लास। यस, सी दिस इज द नॉर्मल। सो इस तरीके से ये हमारा नॉर्मल हो गया, बराबर। ओके सो अब क्या करूंगा मैं, इधर से इधर देखिए, ये क्या आया, अनपोलराइज लाइट। कौन सा लाइट, अनपोलराइज लाइट। तो हम अनपोलराइज लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायग्राम देखा था ना अपन ने पीछे के लेक्चर से। सो दिस इज अनपोलराइज लाइट, क्या हो रहा है, ये क्या है अपना, ये अनपोलराइज लाइट है। यस ओके, अब क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पे एंगल बनाएगा जिसको हम आईपी बोलते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ओके आईपी, ओके सो इसको नाम दे देंगे, सी, मैं यहाँ पे नाम दे दिया मैंने आईपी, मैं यहाँ पे इसको बड़े करके लिखता हूँ, दैट इज आईपी, इस तरीके से लिखा है, बराबर है। यस, अब क्या होता है यहाँ पे, लाइट सी ऐसे होता है और इस तरीके से ब्रेक होती है, बराबर है। यहाँ पे ये लाइट होती है, जो ये वाली लाइट ये होती है प्लेन पोलर लाइट, पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। ओके यस, और ये भी क्या होगी, ये जो है इसको ऐसे दिखाया गया, जिसको नाम दिया गया पार्शियली पोलराइज, ये क्या है, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। यस, और ये दोनों के बीच जो एंगल बनता है ना वो बराबर 90 डिग्री, मतलब ब्रिस्टर ने जितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए पोलराइजेशन के ऊपर से, तो इस तरीके से पोलराइज लाइट को कहाँ पे फॉल करवाया, यहाँ पे। यस अंडरस्टूड? ओके सो ये क्या हुआ, तो उस लाइट का जो अनपोलराइज लाइट है इस तरीके से ब्रेक हुआ कि कुछ पार्ट प्लेन, मतलब कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हुआ। रिफ्लेक्टेड लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं और रिफ्रैक्टेड लाइट को पार्शियली पोलराइज बोलते हैं, और वो दोनों का ब्रेकिंग इस तरीके से होता है कि उन दोनों के बीच का जो एंगल रहता है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, ध्यान रखो। ओके तो इसको मैंने आपको पहले बताया कि दिस इज व्हाट आईपी, एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं सो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से, ये आरपी। यस ओके, तो ये चीज ब्रिस्टर ने बताया, लेकिन लॉज में कुछ इस तरीके से दिया गया है। हमें प्रूफ क्या करना है कि म्यू इज इक्वल्स टू, ये इसका ये म्यू इज इक्वल्स टू टैन ऑफ आई टी। यस, सो दिस इज द फॉर्मूला, ब्रिस्टर्स लॉ से आया। तो वही चीज उसने बताया ब्रिस्टर ने कि द टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल, यस पोलराइजिंग एंगल बोलो आईपी को कि वह एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलो, तो टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल के बारे में क्या है, म्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो ही बोला द टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम एट विच पार्शियल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। सी देखो, पार्श
थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, थोड़ी सी लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, अंडरस्टूड। तो आधा आधा दोनों हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग इसको पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली रिफ्रैक्टेड लाइट बोलते हैं। तो ये चीज ब्रिस्टर ने बताया, बट जो एक्चुअली हमको फॉर्मूला में तो ये वापरना है, तो इसके लिए इसको स्टेटमेंट में दिया गया। तो ब्रिस्टर्स ने एक्चुअली क्या बताया, तो जब अनपोलराइज्ड लाइट किस पे इंसिडेंट होती है, रिफ्रैक्टिव सॉरी मीडियम पे जब फॉल होती है, अब ये क्या है हमारा जो मीडियम है, चलिए ये क्या है हमारा ग्लास है, यस ओके। सो जब उस पे वो फॉल होती है तो हाफ ऑफ द लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है एंड हाफ ऑफ द लाइट पार्शियली पोलराइज्ड लाइट होती है, बट उनका ब्रेकिंग मतलब हाफ ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, हाफ ऑफ लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, बट उनका ब्रेकिंग किस तरीके से होता है, बराबर 90 डिग्री के एंगल पे दोनों इस तरीके से ब्रेक होके जाते हैं, यस। तो ये ब्रिस्टर ने बताया, बट स्टेटमेंट में क्या आएगा हमारा, ये जो फॉर्मूले का स्टेटमेंट है, तो फॉर्मूले का स्टेटमेंट क्या बोलता है, द टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल्स टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड एट विच पोलराइजेशन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस किंवा एट विच पार्शियल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, यस। तो चलिए हम लोग ये डेरिवेशन को डिराइव कर लेते हैं। तो सी वाइज ये देखिए, ये IP है, ये 90 है और ये RP है, तो मैं लिख सकता हूँ ना फ्रॉम डायग्राम, व्हाट क्या लिखूंगा मैं, IP प्लस 90 डिग्री प्लस RP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर मुझे यहाँ पे RP की वैल्यू पुट करनी है, सो देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा, RP अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। सो देयरफॉर RP इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस RP, सो देयरफॉर RP इक्वल्स टू P को बेस में लिखो, इस तरीके से बीस बेस में आएगा, सो 90 माइनस RP, यस ये हो गया। RP का मतलब क्या है गाइस, रिफ्रैक्टिंग एंगल है, ध्यान रखो, यस। आगे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ से क्या आपने को पता है, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ आई पी अपॉन साइन ऑफ आर पी, यस नो ओके। सो चलो अभी आर पी की वैल्यू पुट कर दो, इसको चाहिए तो आप इक्वेशन वन दे सकते हो, सो देयरफॉर म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ आई पी अपॉन साइन ऑफ आर पी की वैल्यू क्या है, 90 माइनस। चलिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, सो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ आई पी अपॉन कॉस ऑफ आई पी, सो देयरफॉर म्यू इक्वल्स टू टैन ऑफ आई पी, सो दिस इज द फाइनल डेरिवेशन। तो इस तरीके से आपको ये 2 से 3 मार्क के लिए पूछ सकता है, ओके। सो यहाँ पे डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आप ये सब बता सकते हो, आरपी का मतलब एंगल ऑफ पोलराइजेशन, यस आरपी मतलब आरपी क्या दिया हमने, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यस म्यू इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो इस तरीके से आपको डेरिवेशन लिखना है, तो 3 मार्क।